देखिए 2x - y = 10, x/y = 3, तो x बराबर क्या, देखिए इसका आंसर निकालते हैं और उत्तर की जांच करते हैं। देखिए हम ले लेंगे x/y = 3 के, यहाँ हमने एक कर लिया, कैची गुणा कर दिया, तो x = 3y हमारा मान निकला। अब ये मान हम जो हमारी इक्वेशन बनी हुई इसके अंदर ये मान रख देंगे 2x - y = 10, 2×3y - y = 10, ये मान हमने यहाँ रखा है, 2×3 = 6y - y = 10, या 5y घटा दिया बराबर 10, या y = 10/5, या y = 2। देखिए y के लिए एक हमारा आंसर ये है। अब देखिए हम रखते हैं इसका मान, x का मान निकालते हैं इससे, यही हम इक्वेशन उतार लेंगे, 2x - y = 10, तो 2x - y का मान रख दिया 2 = 10, या 2x = 10 - 2 पक्षांतर कर दिया, अब यहाँ पे 2x = ये माइनस है सॉरी प्लस हो गई, 2x = 12, या x = 12/2, या x = 6, देखिए x का मान आया 6 और y का मान आया 2। आइए अब देखते हैं उत्तर की जांच करते हैं, देखते हैं हमारा उत्तर सही है या नहीं सही है। इक्वेशन हम वही लिख लेंगे, 2x - y = 10, 2×x का मान 6 रख दिया और -y का मान हमने रख दिया 2 = 10 आना चाहिए, 2×12 - 2 = 10, इधर घटा दिया 10 तो इधर भी 10, ये हमारी इक्वेशन बराबर हो रही है, इसलिए हमारा ये उत्तर सही है। देखिए दूसरे में रखते हैं x/y = 3, x का मान निकला है 6 और y का मान है 2 = 3, 2×1 = 2, 2×3 = 6, 3 = 3, देखिए ये भी समीकरण हमारा संतुष्ट है, इसलिए उत्तर हमारा सही है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।